हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. इफ यू कीप द हार्ड वर्क गोइंग तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. मैं इसी मोटो पे चलता आया हूँ और इसी मोटो पे चलते हुए मैं आज इस मकान तक पहुँचा हूँ और इसी पाथ पे चलते हुए और सक्सेसफुल होना चाहूँगा. Hi guys, this is Akhil Sachur and welcome to my channel Gym Wiki. आज मैं टीम कोर पटेल नगर आया हूँ और हमारे साथ टीम कोर के कोऑनर बैठे हैं मिस्टर अंकुश. Hi guys, this is अंकुश मुरादा, co-owner of Team Core पटेल नगर. Okay अंकुश, चलो आप ये मुझे ये बताओ आपका प्रोफेशन क्या है वैसे? I'm following my family profession, which is into, we are into office furnitures and office interiors. Mm-hmm. So this is, I'm into working into this company from past 15 years. Okay. After doing my MBA, I started working for my family और इसी काम के अंदर मैं हूँ. तो आप इस लाइन में, इस फिटनेस इंडस्ट्री में आप क्यों आए हो, तो इसकी क्या स्टोरी है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आप हमें बताओ. स्टोरी तो लिटिल बिट इंटरेस्टिंग ही है. लाइक आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस टीम कोर फिटनेस क्लब इन पूसा रोड. पूसा रोड, ओके. सो आई वाज अ मेंबर ओवर देयर और अपना रोज वही रूटीन वर्क, काम से शाम को घर, घर से जिम एंड बीइंग वहाँ पे जिम जाके मैं काफ़ी रेगुलर जाता था एंड वहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर सनी वो मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए वहाँ पे. सो रेगुलरली हमारा काफ़ी टच हुआ, वी बीइंग एज फैमिली फ्रेंड्स की तरह हम हो गए. रेगुलरली साथ मिलना, घूमना फिरना एंड आफ्टर बीइंग इन रेगुलर टच विद हिम ही टोल्ड मी दैट ही इज़ हैविंग अ प्लानिंग इन माइंड ऑफ बिग एक्सपेंशन फॉर दिस जिम. ओके. सो वी वर नॉर्मली इन टॉक्स के हाँ उसके बारे में मैं भी अपने आइडियाज़ देता था कि हाँ तुझे जिम में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मी बींग अ मेम्बर इसमें मैं ये फील करता हूँ, यू शुड हैव दिस इन द जिम. सो एक बार उसने बताया कि वो यहाँ पे खुल रहा है इधर बिल्कुल पास में पटेल नगर में, इज़ कमिंग विद अ न्यू जिम इन पटेल नगर. ओके. सो तो आप आस पास ही रहते हो फिर? या आई स्टे इन राजेंद्र नगर ओनली, सो इट्स लाइक 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. सो मी बींग अ बिजनेसमैन, अपना बिजनेस तो ठीक चल ही रहा था, एक माइंड में और एक इन्वेस्टमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी और ढूंढ रहा था कि कहाँ पे बिजनेस के लिए और पैसा इन्वेस्ट करा जाए. सो आई एम बीइंग इनटू दिस फिटनेस, आई एम बीइंग अ फिटनेस फ्रीक और फिटनेस एक माइंड में मेरे एक अच्छा एक चीज़ है कि आई लाइक दिस फील्ड एंड सेकेंडली द ओनर बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने घर जाके इसके बारे में सोचा, ऑफिस में इसकी प्लानिंग करी. नेक्स्ट डे आई कॉल्ड सनी एंड आई जस्ट वेंट टू हिज ऑफिस डायरेक्टली. आई आस्क्ड हिम द अकाउंट्स के कितना इसमें खर्चा आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने टाइम में ROI आता है इसके बारे में. मैंने सारे डिटेल्स दिए एंड नेक्स्ट डे फॉर अ टू कपल ऑफ डेज और 2-3 डेज आई मेड अ फुल प्लानिंग आउट ऑफ इट. देन after seeing the balance sheet and all, I find this gym and this line as a good profitable thing to invest in. So just being के एक profit एक अलग चीज़ है, ऊपर से ये line एक बहुत ही growing line है, एक fitness line और एक बहुत ही booming future है इस line का. तो I thought क्यों ना इस field में उतरा जाए और इसमें थोड़ा आगे हाथ डाल के देखा जाए. That's really good. एक अच्छा, एक मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे co-owners, इतने सारे co-owners क्यों, मतलब चार co-owners, ऐसा क्यों? और आप कुछ अपने co-owners के बारे में अगर बताना चाहो आपने, मतलब क्यों उनके साथ पार्टनरशिप में ये जिम खोला? पहले तो अभी जिम तो अकेले भी खोल सकते थे मेरे में, बिल्कुल खोल सकता था, लेकिन पहले इतने सारे यानी कि वी हैव 4 co-owners ऑफ दिस जिम. तो 4 co-owner होने का मतलब इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपको जिम का नाम ही पता है टीम कोर, सो वी ऑलवेज वर्क इन अ टीम. आज जिम ऑलवेज थिंग्स अबाउट टू वर्क इन अ टीम. ओके. सो आई विल टेल यू द थिंग अबाउट हमारे जो बाकी co-owners हैं. वन ऑफ द co-owner इज लकी, ही इज अ वेल नोन फिटनेस ट्रेनिंग कोच. ओके. बहुत ही उनकी ट्रेनिंग काफ़ी हमारे दिल्ली में पॉपुलर है. That I know. And it is really good. And जहाँ पे मैं पहले वर्कआउट करता था टीम कोर के पिछले ब्रांच में, ही वॉज अ ट्रेनर फॉर मी ऑल्सो एंड यूज टू ट्रेन एवरी वन सो वेल. सो वंस वी वर टॉकिंग अबाउट जनरली एज के हाँ ट्रेनिंग और इस लाइन के बारे में एंड ही हैड इन माइंड के हाँ उनको भी इस लाइन में आगे आना है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मिलके साथ ये काम करा जाए. अगर मी बींग अ बिजनेसमैन सोच रहा हूँ तो मैं सिर्फ अकाउंट्स के बारे में सोचूंगा, यू बींग अ ट्रेनर आप दूसरी चीज़ें सोच सकते हो कि कैसे इस जिम को आगे और एनहांस करा जाए. तो आई थॉट ही बींग अ गुड थिंग टू बी. आपके हिसाब से मतलब किसी भी जिम को, जिम के बिजनेस को चलाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको एक बिजनेसमैन की तरह भी सोचना चाहिए और एक ट्रेनर की तरह भी सोचना चाहिए. बिल्कुल, ताकि आपके ना पैशन और बिजनेस दोनों साथ चलेगा तो वो ग्रो करेगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर मैं सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचूंगा तो यू मस्ट बी नोइंग कितने जिम बंद होते हैं, कितने जिम
दिन बंद होते हैं तो इसके हाँ यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि आज जब यू नो इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नए जिम खुल तो रहे हैं लेकिन बंद भी काफ़ी सारे हो रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या सोचा दैट्स व्हाट आई वांट टेल यू कि अगर मैं सिर्फ एज अ बिजनेसमैन सोचूंगा तो आई डोंट थिंक सो मैं इस फील्ड में बहुत आगे जा पाऊंगा अगर मैं सिर्फ इसको एक प्रॉफिट और एक प्रॉफिट कमाने की जगह सोच पाऊंगा आई डोंट थिंक सो मैं जिम में सर्वाइव कर पाऊंगा तभी मेरे जो को ओनर्स हैं जैसे लकी है ही इज़ अ वेल नोन ट्रेंड कोच वो जिम में कोचिंग के बारे में और क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे जिम के बारे में उस चीज़ को करेंगे वी हैव अनदर पार्टनर हु इज़ दिव्या शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक शी इज़ अ बिग टाइम फिटनेस फ्रीक वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स हम जिम में साथ वर्कआउट भी करते थे and she was always also in this mind ke haan kyun na is line mein aage jaya jaye to we all shared the same thoughts lucky me and divya aur hamare jo fourth partner hai wo yahan ke brand owner hai sunny to mr sunny yahan ke fourth partner hai yeah bilkul wo partner hai hamare fourth partner aur unka hamare sath involve hona hamare liye emotionally bhi aur physically ek bahut acha solid feature rehta hai kyunki he know how to make the gym grow aur unka ek support sath hona hamare gym ke liye bahut zyada profitable hai सो अगर मैं इसको सिर्फ एक बिजनेस की तरह सोचूं तो आई डोंट थिंक सो मैं इस जिम में आगे इस लाइन में जा पाऊंगा लेकिन मैंने इसको सोचा है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं दे आर वेरी गुड इनटू दिस लाइन इनटू फिटनेस वन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट फिटनेस एंड वन इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर सो दैट वेज वी आर थिंकिंग इस जिम को हम आगे बढ़ा पाएंगे ओके तो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि आप चलो आपने ये जिम तो खोल लिया है और मेरे को ऐसा सुनने में है कि आप और नई ब्रांचेस के साथ भी आ रहे हो और नए जिम्स के साथ भी आ रहे हो तो यू नो टीम कोर के साथ आपका फ्यूचर क्या है और आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे या अगर देखा जाए तो ये ब्रांड अब एक काफ़ी उभरता हुआ ब्रांड है देर आर मेनी एंड मेनी मोर जिम्स कमिंग अप फॉर टीम कोर और आई हैव इन माई माइंड टू ग्रो विद दिस फील्ड ओनली सो आई मे कम अप विद सम मोर जिम्स बट आई कैनॉट डिस्क्लोज यू राइट नाउ एंड जैसे अभी इस जिम को खुले हुए सिर्फ एक महीना ही हुआ है वी वॉन्ट टू सी द रिस्पॉन्स विच इज़ वेरी पॉजिटिव टिल नाउ रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक मैं इस लाइन में आगे चलना जाऊँगा और जैसे कुछ नया वर्कआउट होता है श्योरली हम आपको ज़रूर बताएंगे अच्छा तो मेरे को आप ये चीज़ बताओ कि आपका बिलीफ क्या है और आपका विजन क्या है जो आप हमारे ऑडियंसिस को बताना चाहते हो I believe in that hard work is the key to success. अगर मैं hard work करूँगा तो ज़रूर एक ना एक दिन success को पास पा पाऊँगा और इसी belief से मैं चलना चाहता हूँ और यही belief से मैं आगे इस line के अंदर और अपना expansion चाहता हूँ इसी field में मैं अपनी growth चाहता हूँ और इसी motive से चलते हुए मैं और आगे successful बनना चाहता हूँ ओके तो आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि यू नो आप अपनी लाइफ में क्या करिए और फिटनेस पे क्यों ध्यान दें और बाहर निकल के यू नो फिटनेस कितना ज़रूरी है उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए उनकी लाइफ के लिए वुमेन को आप क्या बोलना चाहोगे मेन को आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि यू नो ऐसे हमारे यहाँ पे ओल्ड एज की यू नो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं नी प्रॉब्लम्स होती हैं बैक प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो वो मतलब क्यों बाहर आए क्यों आपका जिम ज्वाइन करें बड़ी फिटनेस राइट नाउ इज़ अ वे ऑफ लाइफ ये हमारे लिए वे ऑफ लिविंग बन चुका है फिटनेस फिटनेस को अगर आप देखा जाए तो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं जिम अगर हो तो आपको फिजिकल के साथ साथ आपको एक मेंटल और इमोशनल फिटनेस देता है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आजकल की लाइफ है स्ट्रेस इतना ज़्यादा है सो आई माई सेल्फ पर्सनली हैव फेल्ट कि हाँ वर्कआउट करने से आप अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हो सो अगर आप एक जिम मैं कहता हूँ कुछ भी काइंड ऑफ वर्कआउट आप करिए जिम जाइए पार्क में वॉक करिए या किसी भी काइंड ऑफ फिटनेस एरोबिक्स करिए योगा करिए तो जिम इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हाट आई थिंक तो अगर आप करते हैं तो आप अपने तो आप डांस भी यहीं कर सकते हो ना ज़ुम्बा क्लासेस होती है यू हैव दिस इज द एरिया वेयर वी कैन हैव ज़ुम्बा क्लासेस डांस क्लासेस योगा एरोबिक्स हमारा जिम इन सबको प्रोवाइड करता है वी हैव भांगड़ा क्लासेस ऑल्सो एंड द शेड्यूल इज बिग लॉन्ग शेड्यूल फॉर ऑल दीज क्लासेस तो आवर जिम तो केटर्स फॉर कार्डियो सेशंस ऑल्सो फॉर दीज क्लासेस एरोबिक्स एंड योगा ऑल्सो एंड मसल ट्रेनिंग ऑल्सो सो अगर जिम आप या फिटनेस में आते हैं तो अपने आप मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस को आप इक्वली बैलेंस कर पाओगे और एक हेल्दी लाइफ की तरफ चल पाओगे ओके चलो अब हम एक चीज़ आपसे मैं और पूछता हूँ आप मत सुनना क्या आप अपना प्रोफेशन छोड़ के क्या इसी को अपने प्रोफेशन बनाओगे पूरा ऐसे कभी सोचा है ये आप मेरा सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको मैं सच अभी अभी आपने बोला कि आप इस इंडस्ट्री में नोन बनना चाहते हो विद सो मेनी जिम्स ताकि इतने जिम आप खोलोगे लोग आपको जाने कि हाँ यार मिस्टर अंकुश ने इतने सारे जिम्स खोल दिए और उन्होंने फिटनेस को किस अलग लेवल पे ले गया
बट अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि हाँ मैं इस लाइन में बिल्कुल आगे जाना चाहता हूँ और अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ इस लाइन के अंदर, लेकिन इफ यू से कि मैं अपना पुराना काम छोड़ दूँ तो वो सॉरी मैं नहीं छोड़ने वाला। आप अपना पुराना काम भी लेकर बिल्कुल वो उसके ही प्रॉफिट से इस में इन्वेस्ट करके बिजनेस करा, ब्रेड एंड बटर वो है और ब्रेड एंड बटर को नहीं छोड़ सकते। ये एक पैशन था, एक माइंड में और थॉट था कुछ और आगे करने का, तो वो इस फील्ड में ज़रूर मैं चलूँगा। तो गाइस हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट, लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ, बी फिट एंड कम एंड वर्क आउट एट टीम कोर पटेल नगर। एंड गाइस डू सब्सक्राइब एट जिम विकी, दैट इज जिम WIKI, एंड लाइक दिस चैनल और डू कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं अपने आपको अच्छा बना पाऊंगा और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दूंगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस और टेक केयर। अपने आप को बाहर निकालो, फिट रखो, ऐश करो और प्लीज़ टीम कोर में ज़रूर आओ, वर्कआउट करो। स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी।